जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिसको कहा जाता है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार। तो इनके द्वारा क्या कर दिया गया है, 2022-23 का जो UKPSC बेस के अंतर्गत पर एग्जाम होने हैं, तो 26 सितंबर 2022 को जो भी एग्जाम कैलेंडर है, परीक्षा कैलेंडर जिसको कहा जाता है, एग्जामिनेशन कैलेंडर आप लोग के लिए जारी कर दिया गया। शॉर्टली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे क्या रिक्रूटमेंट है, कितनी रिक्रूटमेंट है, कितनी पोस्ट है उसके अंतर्गत पे वैकेंसी जारी है, आपका जो विज्ञापन है कब से नोटिफिकेशन इसका अपडेट किया जाएगा और एग्जामिनेशन डेट कब होगा, शॉर्टली रूप से डिस्कस करेंगे। कब अपडेट किया गया, 26 सितंबर 2022 को। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की। बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे पुलिस आरक्षी के लिए PSC के अंतर्गत पे IRC जो भी है IRB बेस के अंतर्गत पे और अग्निशमन के लिए, तो यहाँ पर जो भी है 1521 के लिए रिक्रूटमेंट के लिए जो विज्ञप्ति इसकी जारी होनी है 7/10/2022 को, मतलब 7 अक्टूबर 2022 को इसका रिक्रूटमेंट जो है नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा, और 18 दिसंबर 2022 को इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक, अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर है राजस्व विभाग के अंतर्गत पर राजस्व उप निरीक्षक पटवारी और लेखपाल के लिए जो 554 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी होना है, तो इसका पोस्ट अपडेट किया जाएगा नोटिफिकेशन जब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे 14 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, देखेंगे एक महीने का लगभग इसमें टाइम दिया जाएगा, लगभग ये माने कि 14 अक्टूबर से लेकर आप लगभग 14 नवंबर के आसपास में इसका, देखते हैं कितने दिन का दिया जाता है टाइम, और उसके बाद में जो इसका एग्ज़ाम हो जाएगा तो 8 जनवरी 2023 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। थर्ड नंबर की बात करें तो वन विभाग के अंतर्गत पर फॉरेस्ट वन आरक्षी के लिए 894 पोस्टों के लिए आपके रिक्रूटमेंट जारी होनी है 21/10/2022 को। देखिए 21 अक्टूबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 22 जनवरी 2023 को क्या हो जाएगा, इसका आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, उस दिन एग्जाम हो जाएगा इसका 22 जनवरी 2023 को। ठीक है, आगे बात करते हैं, उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करें तो जो है यहाँ पर सहायक लेखागार, ठीक है, सहायक लेखागार और लेखा परीक्षक के लिए लगभग इसमें दो है रिक्रूटमेंट, 1663 पोस्टों के लिए, 228 पोस्टों के लिए, तो इसका जो नोटिफिकेशन डेट अपडेट कर दिया जाएगा आपका 28 अक्टूबर 2022 को, और इसका एग्ज़ाम हो जाएगा 12 फरवरी 2023 को, मतलब 12 फरवरी 2023 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। फाइव नंबर की बात करें तो कारागार विभाग के अंतर्गत पर बंदी रक्षक के लिए पुरुष और महिला के लिए, दोनों मेल एंड फीमेल बंदी रक्षक के लिए, तो 213 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट जारी होना है 9 नवंबर 2022 के अंतर्गत पर द्वितीय सप्ताह, ठीक है, सेकंड वीक पर आपको नवंबर के अंतर्गत पर 2022 में इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, और उसके बाद में जल्द ही इसका क्या हो जाएगा, जो फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक परीक्षा का जो भी है वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। सिक्स नंबर की बात करें तो जो है अलग अलग विभिन्न जो भी है यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे विभाग की बात करें, विभिन्न विभाग के अंतर्गत पे कनिष्क सहायक के लिए 519 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट जारी होना है, तो इसका जो नवंबर है 2022 के अंतर्गत पे लास्ट वीक कह रहा है, अंतिम सप्ताह पे इसका नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 5 मार्च 2023 को। ठीक है, 5 मार्च 2023 को आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम हो जाएगा। आगे बात करते हैं सिक्स नंबर की बात करें तो कृषि पशुपालक और उद्यान विभाग के अंतर्गत पे जो यहाँ पे है कृषि पशुपालक और उद्यान विभाग के अंतर्गत पे चारा सहायक, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग सेकंड, सहायक कृषि अधिकारी और वर्ग थर्ड आदि के लिए जो रिक्रूटमेंट है 463 पोस्टों के लिए जनवरी 2023 के अंतर्गत पर सेकेंड वीक पर आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा और आपका एग्जाम हो जाएगा 23 यहाँ पर की बात करें तो अप्रैल 2023 को किसका एग्जाम हो जाएगा, किसी पर पशुपालक और उद्यान विभाग के अंतर्गत पर जो भी है चारा सहायक और खाद्य प्रसंस्करण एक्सेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पर इंक्लूड है। एट नंबर की बात करें तो पुलिस विभाग के अंतर्गत पर उप निरीक्षक पुलिस और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए 221 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आना है जनवरी 2023 के अंतर्गत पर, लास्ट वीक आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा, शारीरिक परीक्षण के पश्चात आपका क्या होगा इसके अंतर्गत पर एग्जाम होगा। ठीक है, अपडेट होना है जनवरी 2023 लास्ट वीक में, और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा नोटिफिकेशन जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा, जो भी है शारीरिक परीक्षा जो भी UPSC के अंतर्गत पर जो सही कॉम्प्रोमाइज इनका बैठता है एग्जाम कलर में। नाइन नंबर की बात करें तो विभिन्न विभागों के अंतर्गत पे है अलग अलग डिपार्टमेंट के बेस के अंतर्गत पे पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए प्रयोगशाला सहायक के लिए 434 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी होनी है, तो फरवरी 2023 को लास्ट वीक में इसका लगभग नोटिफिकेशन अपडेट किया जाएगा और 7 जो है
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, अभी बहुत टाइम है, 7 मई 2023 को इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। ठीक, आपको देखिए फरवरी में नोटिफिकेशन होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून और उसके बाद में जुलाई, ठीक, 4-5 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद में 10 नंबर का है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत में मानचित्रकार और प्रारूपकार के लिए 60 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट जारी होना है। तो मार्च 2023 के अंतर्गत पे थर्ड वीक के अंतर्गत पे आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया जाएगा और उसके अंतर्गत पे क्या होगा 4/6/2023 को क्या कर दिया जाएगा आपके लिए अपडेट प्रोवाइड, सॉरी 4/6/2023 को आपका क्या हो जाएगा एग्जाम हो जाएगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च एक साल बेस के अंतर्गत पे तीसरे महीने में इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, अप्रैल, उसके बाद में मई और उसके बाद में जून में आपका क्या हो जाएगा 4 जून 2023 को एग्जाम हो जाएगा। मैं पूरा आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब बात करें तो 11 नंबर के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पर जो है यहाँ पर 11 नंबर पे अन्वेक्षक, कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए 91 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट होना है अप्रैल 2023 के अंतर्गत पर लास्ट वीक, इसके लिए रिक्रूटमेंट अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में क्या होना है यहाँ पर 23 जुलाई 2023 को आपका एग्जाम हो जाएगा। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चौथे महीने में आपका क्या होना है जो भी है लास्ट, वो भी लास्ट महीने के अंतर्गत पर, ये मानो कि अप्रैल मई फर्स्ट के अंतर्गत, फिर आपके पास में 7वां महीना आता है, अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी होगा, मई, जून, जुलाई और उसके बाद में जुलाई के अंतर्गत पे 2-3 महीना और आपको प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाता है। 12 नंबर का है जो विभिन्न विभाग निकायों के अंतर्गत पे अवर अभियंता सिविल और विद्युत यांत्रिकी के अंतर्गत पे, तो 76 जो पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट होना है शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पे, तो इसका जो नोटिफिकेशन है मई 2023 में इसका नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा लास्ट वीक। और इसी के अंतर्गत पे एग्जामिनेशन की बात करें तो 13/8/2023 मतलब 13 अगस्त 2023 को आपके लिए उस दिन क्या हो जाएगा एग्जाम करा दिया जाएगा, ठीक। और उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर है 13 नंबर की बात करें तो राज्य जो है संपत्ति विभाग, देखिए क्या है यहाँ पर जो है कौन सा नंबर की बात करें 13 नंबर के, राज्य संपत्ति विभाग और अन्य विभाग के लिए व्यवस्था पर और जहाँ पर व्यवस्था अधिकारी 14 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट जारी होना है जुलाई 2023 के अंतर्गत पे, फर्स्ट वीक के अंतर्गत पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा और उसके बाद में 24 सितंबर 2023 को आपका एग्जाम हो जाएगा। 14 नंबर की बात करें तो विभिन्न डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पर गन्ना पर्यवेक्षक, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, बागवान पर्यवेक्षक आदि रिक्रूटमेंटों के लिए 100 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया जाएगा जुलाई 2023 के लास्ट वीक में। और उसके बाद में की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 8 अक्टूबर 2023 को इसका एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग के द्वारा आप लोग के लिए करा दिया जाएगा। अब बात करेंगे 15 नंबर के अंतर्गत पे, यहाँ पर है वन विकास निगम स्केलर के लिए है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट 200 पोस्टों के लिए जारी होगा अगस्त 2023 के अंतर्गत पर, सेकेंड वीक के अंतर्गत पर 19/11/2023 मतलब क्या है यहाँ पर डेट दिख रहा होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ 19/11/2023 को आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम करा दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में है 16 नंबर की बात करें तो विभिन्न विभागों के अंतर्गत व्यक्तिगत सहायक के लिए, देखिए यहाँ पर है अलग डिपार्टमेंट के लिए विभिन्न विभागों के अंतर्गत व्यक्तिगत सहायक के लिए 176 पोस्टों के लिए, तो जो आपका नोटिफिकेशन अपडेट किया जाएगा तो सितंबर 2023 के अंतर्गत पे फर्स्ट वीक के अंतर्गत पर अपडेट कर दिया जाएगा। और आपका एग्जामिनेशन की बात करें तो 17 जो आपके लिए है 17 दिसंबर 2023 को आपका क्या होगा इसका एग्जाम करा दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 16 जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होने हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कैलेंडर में लास्ट बेस के अंतर्गत पे, तो इसके अंतर्गत पे जो इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट है कब इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा और कब इसके अंतर्गत पे एटसेक्टा कोई और प्रोसेस होगा जो भी होगा फिजिकल बेस के लिए, कितने रिक्रूटमेंटों के लिए कब आप इसका जो भी है फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और आप कब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ताकि जो भी इसके लिए इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा जो भी कर रहा होगा तो उसके पास में क्या हो जाएगा नोटिफिकेशन एटसेट्रा जो भी चीज़ें होंगी टाइम पर अपडेट हो जाएगा। आप टाइम पर बैठकर आप क्या कर सकते हैं एक पूरी प्लानिंग के साथ में इस बेस के लिए इन एग्जामों के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन को ध्यान में रखिएगा कि किस चीज़ के लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, उसी बेस में आपको फॉर्म भरना है, उसी बेस में आपको प्रिपरेशन करना है। आने वाले टाइम पर कुछ खास अभी है 2022 के अंतर्गत पर जो एग्जाम होने, एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पर और राजस्व विभाग का और वन विभाग का और विभिन्न विभागों के अंतर्गत पे जो लेखागार संबंधी और कारागार विभाग के अंतर्गत पे और उसके बाद में विभिन्न विभागों के अंतर्गत पे जो बंदी रक्षक और कनिष्क सहायक का होना है, तो ये लगभग नवंबर के अंतर्गत पे रिक्रूटमेंट इनके जारी होने इस बेस के अंतर्गत पे, ठीक है। लास्ट की बात करें तो अभी अपडेट हो जाएगा 7 अक्टूबर
2022 से, सबसे पहले पुलिस आरक्षी बेस के अंतर्गत, तो फिर उसके बाद में 14 अक्टूबर को आपका हो जाएगा पटवारी लेखपाल के लिए, वन आरक्षी के लिए 21 अक्टूबर के लिए, और सहायक लेखागार बेस के अंतर्गत में 28 अक्टूबर के बेस में, फिर उसके बाद में बंदी रक्षक के लिए नवंबर में, और कनिष्क सहायक के लिए नवंबर में। 2022 का बेस का जो 2022 का एग्जाम होने वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। 2023 में को उनसे नोटिफिकेशन आएगा 2022-23, और 2022-23 का कौन सा एग्ज़ाम होगा वो पूरा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। शॉर्टली रूप से आप समझ गए होंगे, जो भी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जानने के लिए था वही हमारे द्वारा आप लोग के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूँगा दोस्तों नोटिफिकेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का नोटिफिकेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बेस के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।